बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पावर सप्लाई। अब देखिए, अगर हम कोई बैटरी ले ले तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। अब ये हम क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसी वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और टर्मिनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मींस बैटरी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो वैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसका अल्वर्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। अब यहाँ पे द रेजिस्टेंस प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर हम बैटरी में देखें तो इसमें दो प्लेट होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। सो वहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस मौजूद होता है और वहाँ पे जो करंट, जो चार्ज फ्लो करे इनसाइड द बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट के शक्ल में, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स अलोंग विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज शोन इन द फिगर। अब ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ये अगर हम देखें, ये बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके साथ ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और बैटरी क्या करता है? बैटरी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे जो आर है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो बैटरी का सैम्बल है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इसको हम लिख सकते हैं इन द पाम ऑफ व्हाट? बॉक्स। अब दूसरी बात है, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मिसाल के टर्मिनल कहते हैं वायर को। देखिए बच्चे, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी का ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर इस बैटरी को हम बॉक्स के शक्ल में ले ले, तो देखिए यहाँ पे ये इसका है नेगेटिव टर्मिनल, इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ अगर हम दो वायर कनेक्ट करें, टर्मिनल कहते हैं वायर को। अब ये दो टर्मिनल है और इसको हम कनेक्ट करें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, इसको हम, ये करंट है, करंट का फ्लो है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन द सर्किट, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने रिलेशन मालूम करना है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद बच्चे, रिलेशन बिटवीन इंटरनल
इंटरनल वोल्टेज, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए वी नो दैट इंटरनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हमारे पास बराबर होता है आई आर, दैट इज माय इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे जो आई है ये करंट के फ्लो को जाहिर करते, आर क्या है, आर शो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, लेकिन जो टर्मिनल के साथ हमने रेजिस्टर लगाया है एक्सटर्नल, इसको हम कहते हैं वी आल्सो नो दैट द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी टी से, एंड अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ दैट इज आई आर, दैट इज माई इक्वेशन नंबर टू। अब हम जानते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो फ्रॉम फिगर वी नो दैट, यहाँ पे देखें हमारे पास जो बैटरी का सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते ई से, दैट इज द सम ऑफ इंटरनल वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर वन टू वेयर इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो अब यहाँ देखिए अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को हम पुट करें थ्री में, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरनल वोल्टेज की जगह हम लिख सकेंगे आई आर को, और टर्मिनल वोल्टेज की जगह ये आई आर, सो ई इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे आई कॉमन ले ले तो आर प्लस आर। अब इस इक्वेशन से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। अब इस इक्वेशन की मदद से अगर सर्किट की पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें मालूम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम हो एक्सटर्नल, तो हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए बच्चे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास है ई इज इक्वल टू वी आई एन प्लस वी टी। अब यहाँ देखिए ई इज इक्वल टू वी एन हमारे पास है इंटरनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पे ये हमारे पास बराबर होता है आई आर प्लस वी टी। बट रिमेंबर इफ द सर्किट इज ओपन, तो अगर हमारे पास सर्किट ओपन है तो ओपन सर्किट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ई इज इक्वल टू आई जीरो प्लस व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज, तो ई इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, तो इससे हमारे पास ये अंदाज़ा होता है कि फॉर ओपन सर्किट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, और फिर उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पावर।